Hello and good morning to my dear all student of class 2. I am your Hindi teacher Supriya. I am here to present you Bhasha Abhyas of class 2. जैसा कि आप सबों ने देखा होगा, तूर्या मैम ने आपको भाषा माधुरी के कुछ पाठों को पढ़ाया है, तुमने आप लोगों के लिए भाषा अभ्यास के कुछ पाठ भी कराए हैं। ठीक है, तो आज हम भाषा अभ्यास का पहला पाठ है, ठीक है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब जो हमने पहले पढ़ा है उसके पहले रिविजन करें। तो इसमें पहला क्या है, दिए गए चित्रों को नाम लिखिए। तो आपको चित्र को देखना है अच्छे से और इनके नाम बताने हैं। तो क्या क्या है, मटर, टमाटर, साइकिल, दिया, ओखली, औरत, भालू, सुराही, पतंग, नल। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इन सभी चित्रों को देखकर अच्छे से अपनी कॉपी में बनाना है और सुंदर से लिखना है। और भी कुछ चित्र हैं बच्चों, उसमें से पहला क्या है, चोंच, खिलौना, अंगूर, पैसा, डमरू, बांसुरी, झूला, ढोलक, लड़की, पेड़। तो आप सबको इन चित्रों को अच्छे से अपनी कॉपी में बनाना है और सबके नाम लिखना। दूसरा प्रश्न है, सही वर्ण पर उचित मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। ठीक है, तो आपको सही वर्णों पर सही मात्रा लगाना है। तो पहला है समझदार, तो मैंने क्या किया, इसमें स वर्ण से आ की मात्रा लगाई, तो शब्द क्या बन गया, समझदार। इसी तरह से शरारत, किवाड़, ठीक है, साइकिल, कैदखाना, मोरनी, शंख, झुकाए, खिड़की, हरियाली, कुर्सी, साबुन, शैतान, औजार, बैंजो, बातुनी, तूफान, कूड़ादान, करेला, खरगोश, मौसम, गांव। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, शब्दों का सही रूप चुनकर उस पर घेरा लगाइए। मतलब यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं, उसमें से एक सही है दूसरा गलत है, तो हमें क्या करना है, सही पर घेरा लगाना है। तो पहला क्या है, अनमोल, दूसरा है खुशबू, तीसरा क्या है, पार्क, फिर कपड़ा, कृपया, मंदिर, प्यार, बांसुरी। ठीक है, चौथा प्रश्न है बच्चों, वचन बदलना। वचन बदलने का अर्थ क्या है, एक वचन से बहुवचन करना या बहुवचन से एक वचन करना। तो पहला है झाड़ी, इसका क्या होगा, बहुवचन झाड़ियाँ, लिफाफा, लिफाफे, केला, केले, पंखुड़ी, पंखुड़ियाँ, जुराब, जुराबे, पतंग, पतंगे। पांचवा प्रश्न है विपरीत शब्द, विपरीत शब्द मतलब ठीक उल्टा। ठीक है, जैसे उठना तो बैठना, आगे पीछे, पुराना नया, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दिन रात। लिंग बदलिए, ठीक है, लिंग बदलने का अर्थ क्या है, स्त्रीलिंग से पुलिंग, पुलिंग से स्त्रीलिंग। तो जैसे पहला है माता, माता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, सपुलिंग क्या होगा, पिता। लड़की लड़का, रानी राजा, मोर मोरनी, चाचा चाची। सातवां प्रश्न है बच्चों, वाक्यों के लिए एक शब्द लिखें। ठीक है, नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, आपको उनका एक शब्द लिखना है। जैसे पहला है जो जूते बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मोची। जो तमाशा दिखाता है, मदारी। जिस पर फल लगते हैं, पेड़। एक तार का बाजा, एक तारा। जो कपड़े धोता है, धोबी। वन का राजा, शेर। आठवां प्रश्न है बच्चों, दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। जैसे पहला है नाव, तो उसका अर्थ क्या होगा, नौका। उपवन, बगीचा, आकाश, आसमान, जल, पानी, दीपक, दिया, बारिश, बरसात। ठीक है बच्चों, नौ नंबर प्रश्न में क्या है, दो डिब्बे दिए हैं, उनमें कुछ वाक्य लिखे हैं, तो हमें
दोनों में से एक एक वाक्य चुनना है और उससे एक पूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे पहला है शैतान लड़की की, तो ये पूर्ण नहीं है, तो इसे हम पूर्ण करेंगे किस तरह से, शैतान लड़की की छिटपिटाई हुई। दूसरा है राजू थाली बजा रहा है। तीसरा है कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। चौथा है मोटा जोकर घोड़े पर आया। पांचवा क्या है, आज मौसम गर्म है। तो आप सबको इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है। दसवां प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, तो कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके आपको उत्तर लिखने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य है, इसे आप अपने से करेंगे। जैसे पहला क्या लिखा है, आपका नाम क्या है, तो आपको अपना नाम लिखना है, मेरा नाम। आप कौन सी कक्षाएं पढ़ते हैं, तो आपको अपनी कक्षा बतानी है। आप कहाँ रहते हैं, तो आपको उस जगह का नाम लिखना है जहाँ आप रहते हो। आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आपके पिताजी क्या करते हैं वो लिखना है आपको। आपके घर का टेलीफोन नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर बताना है। आप स्कूल कैसे जाते हैं ये बताना है आपको। आपके घर में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिससे मैं आपके लिए पार्ट वन कविता सीखो का भाषा अभ्यास के प्रश्नों को हल करूँगी। तो आप सब अच्छे से सीखो कविता को पढ़ कर आइएगा। जब मैं उस वीडियो को लाऊँगी तो उसमें हम सीखो कविता के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप अपना काम अच्छे से कीजिए। जो भी मैंने लिखवाया है आपको, जो भी मैंने वर्क करवाया आज, उसे आपको अपनी कॉपी में अच्छे से सुंदर से हैंडराइटिंग में लिखना है और याद करना है। 2 से 3 बार उसे पढ़ना है ताकि वो आपको याद हो जाए, और हम जब दूसरी बार मिलें तो हम सीखो कविता के अभ्यास को करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।